आप सभी के सामने हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जो सोशल मीडिया पर हो रही है इस वक्त काफी ज्यादा वायरल। एक ऐसी वीडियो जिसमें देखने को मिल रहे हैं बागी 3 के स्टार्स यानी कि टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर और दिशा पाटनी। बता दें आप सभी को कि बागी 3 के हीरो और हीरोइन के तौर पर टाइगर और श्रद्धा को देखा गया, तो वहीं दिशा पाटनी आइटम सॉन्ग करती हुई बागी 3 में नजर आई है। और ये तीनों हाल ही में एयरपोर्ट पर नजर आए थे फिल्म की रिलीज से पहले, जहां से इन दोनों की कई फोटोज कई वीडियोस नजर आई। यहां श्रद्धा और टाइगर एक दूसरे के साथ नजर आए, तो यहां इनके पीछे दिशा को भी देखा गया। दिशा पाटनी के इनके साथ होने पर यहां सवाल भी उठे, लेकिन कहा गया कि डू यू लव मी सॉन्ग की प्रमोशन के लिए तीनों एक साथ मौजूद है। लेकिन यहां पर इन तीनों की फोटोज वीडियोस जो वायरल हो रही है उस पर एक ऐसी वीडियो निकल कर सामने आई जो हर किसी को हैरान कर चुकी है, और इसमें यहां लव ट्रायंगल की बात करती हुई नजर आ रही हैं दिशा पाटनी। जी हां, आप अगर इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि इन तीनों के बीच लव ट्रायंगल शुरू हो चुका है, तो जरा आप खुद ही इस वीडियो को देखिए। जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो को देखा होगा कि दिशा पाटनी बोलती हुई नजर आ रही हैं कि अब ये हमारा लव ट्रायंगल शुरू कर देंगे। यहाँ पर उनके ये कहने के पीछे का मतलब है कि अक्सर ही जब दो हीरो या एक हीरोइन को या दो हीरोइन या एक हीरो को एक साथ देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं लव ट्रायंगल की बात शुरू हो जाती है। ऐसे में दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ के इस लव इक्वेशन को लेकर हमेशा से ही कई बातें उठती ही रही हैं। लेकिन यहाँ दूसरी ओर टाइगर और श्रद्धा की जोड़ी को लेकर भी फैंस कई तरह के रिव्यूज सुनते ही हैं कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं। लेकिन ये बात भी जुटलाई नहीं जा सकती है कि ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। टाइगर बचपन में श्रद्धा पर क्रश भी रखते थे और इस वजह से ये जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी भी नजर आती है रियल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी। लेकिन अब ये तीनों एक साथ नजर आए हैं, तो यहाँ मीडिया वाले कुछ बात अपनी ओर से सामने रखें या ना रखें, फैंस कुछ कहें या ना कहें, इन तीनों के एक साथ मौजूद होने पर खुद के ही लव ट्रायंगल को शुरू करती हुई दिशा पाटनी जरूर दिखाई दे चुकी है। वेल दोस्तों, वैसे में आप सभी क्या कहना चाहते हैं इस जोड़ी को लेकर, इस लव ट्रायंगल को लेकर, ये कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको क्या लगता है, दिशा पाटनी का ये कहना सही है या फिर नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।